वो जल्दी ही देश के सामने आएगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी हायर एजुकेशन ऑल्सो हिज ट्रेस इज ऑन इनोवेशन, बिकॉज इनोवेशन इज वॉट इंडिया लैक्स इन एंड इनोवेशन इज वॉट कंट्री विल प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन कैसे हो, और इसलिए रिसर्च पार्क्स, इसलिए नया हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, जिससे 1,00,000 करोड़ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बजट में घोषित किए हैं 1,00,000 करोड़। इट्स ए ह्यूज। इसके साथ साथ एक अभी घोषणा की है, आपने परसों पढ़ी होगी, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ये ऐसा है कि जो हमारे बेस्ट ब्रेन्स है वो विदेशों में जाते थे, क्यों? वहां अच्छी स्कॉलरशिप्स है, वहां अच्छी पढ़ाई है, वहां अच्छे रिसर्च लैब्स है। हम 1,00,000 करोड़ में अच्छे रिसर्च लैब भी बनाएंगे, यहाँ अच्छे प्राध्यापक अभी बहुत संख्या में आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट चल रही है, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो 70-80 हजार रुपए महीने की और 2,00,000 रुपए का रिसर्च ग्रांट पर ईयर इस तरह से देंगे, तो देश के बेहतरीन छात्र विदेश नहीं जाएंगे। नो ब्रेन ड्रेन, इट विल बी ब्रेन गेन। ये करेंगे हम। और इसलिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब शुरू किए हैं, इतने बेहतर अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, सबके साथ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, उनकी भी ओलंपियाड हुई, और अभी ये कॉलेज में भी रिसर्च पार्क्स